नमस्कार किसान साथियों, मैं गुहाराम केवट और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल निषाद फार्मिंग। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे तरबूज की अगेती खेती के बारे में। तरबूज की खेती अगर आप अगेती तरीके से करते हैं तो इससे आप अच्छे से मुनाफा कमा सकते हैं। किसान साथियों, आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने ज़मीन की तैयारी कर ली है। किस प्रकार से तैयारी की है मैं आगे आपको बताता हूँ। किसान साथियों, सबसे पहले आपको ज़मीन की तैयारी हेतु इसमें प्लाऊ नांगर से एक बार अच्छे से जुताई कर देना है, ताकि मिट्टी पलट हल भी बोलते हैं कई जगह इसको, मिट्टी पलटने वाले हल से इसको जुताई अच्छे से कर देना है, ताकि ज़मीन अगर पलटी होगा तो इसमें उपजाऊ क्षमता अच्छे से बढ़ेगी और जो नीचे में फंगस रहती है वो भी ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद में प्लाऊ जो चलाने के बाद में आप क्या करेंगे, इसको प्लाऊ चलाने के बाद इसमें अब दो बार कल्टीवेटर कर लीजिए। कल्टीवेटर दो बार करने के बाद में आप इसको या तो रोटावेटर या फिर पावर टिलर से भी आप इसको एक बार जुताई कर सकते हैं, जिससे कि मतलब ज़मीन पूरी तरह भुरभुरी हो जाए, ताकि मांदा बनाने में अच्छी मतलब मांदा बनाने में आपको सरल हो। मैंने इसको अपने पावर टिलर से ही जुताई किया है, जिससे कि मैंने अपने ज़मीन को भुरभुरी बना लिया है। रोटावेटर चलाने के बाद इसमें जहाँ पे आप मांदा बनाएंगे उसके सिद्धांत में आप जो बेसल खाद बनाया है उसको इस तरीके से डाल देना है। देखिए मैं किस तरीके से डाल रहा हूँ, बिल्कुल सीधा आप जहाँ पे मांदा बनाने वाले हैं उसी के सिद्धांत में आप इस तरीके से बेसल डाल सकते हैं। रोटावेटर चलाने के बाद इसको आप जो रेजर आता है मांदा बनाने के लिए उसके सहायता से इसमें आप मांदा बना लीजिए। मांदा आपको कैसे बनाना है कि आप अगर ठंडी में तरबूज लगाते हैं तो इसकी जो मांदे से मांदे की दूरी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मांदा से दूसरे मांदे की दूरी, ये मांदे की दूरी आपको रखनी है। अगर ठंडी में लगाते हैं तो 5 फीट रखना सही है, 5 फीट आप रखेंगे और पौधे से पौधे की जो दूरी है उसको 1 फीट रखिए, 1 फीट से 1 फीट रखिए। और वहीं आप इसको जनवरी के बाद लगाते हैं तो इसकी दूरी आप 6 फीट, मादे से मादे की दूरी 6 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट रखना सही रहेगा। 1 फीट या फिर 2 फीट भी रख सकते हैं अगर जनवरी के बाद लगाते हैं तो, क्योंकि अगर जनवरी के बाद लगाएंगे तो उसमें वेजिटेबल ग्रोथ अच्छे से आएगी। लेकिन वहीं आप इसमें अगर अभी लगाते हैं ठंड के समय में तो ठंड के समय में होगा क्या कि पौधा अच्छे से आपके ग्रोथ नहीं करेगी, जिससे कि नार का फैलाव भी अच्छे से नहीं होगा। इस वजह से इसको नज़दीक नज़दीक में लगाना सही रहेगा। तो आप कोशिश करिए अगर ठंडे में लगाते हैं तो थोड़ा घना लगाइए, और थोड़ा गर्मी में लगाते हैं जनवरी के बाद लगाते हैं तो पौधे को थोड़ा पतला लगाइए। किसान साथियों, अगर पहले आप ड्रिप का यूज कर चुके हैं और दोबारा जैसे यूज कर रहे हैं तो दोबारा यूज करने से पहले आप इस तरीके से ड्रिप पाइप को लमा लें, उसके बाद में इसको ऐसे इस प्रकार से हिला दें। ऐसे हिलाने से क्या होगा कि इसके अंदर में जो काई जमा रहता है वो भी बाहर निकल जाएगा। ये पाइप के माध्यम से यहाँ को खोल दें और पानी चला दें, जिससे कि इसमें का जो काई है वो साफ़ होकर निकल जाता है। दूसरे आप यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जैसे उसको हिलाने के बाद में आप मादे में ऐसे बैठा देंगे पाइप को। मादे में बैठाने के बाद में मैं दिखाता हूँ, मादा में बैठाने के बाद में आपको क्या करना क्या है, जैसे पानी जहाँ से नहीं निकल रहा है आप एक बार कोशिश करें कि सभी छेद को चेक कर लें, पानी एक बार रनिंग करके देख लें, ताकि कहीं पे पानी निकल रहा है कहीं पे नहीं निकल रहा है उसको आप देख लें, ताकि बाद में अगर आप इसके ऊपर मल्चिंग चढ़ा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे पहले आप उसको चेक कर लें, और चेक करने के बाद में आपको जहाँ पता चलेगी जहाँ जिस जगह में पानी नहीं निकल रहा है उस जगह को इस प्रकार से आप ऐसे डंडे से पीट दें, ताकि यहाँ जो छोटा सा यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ एक फिल्टर लगा रहता है, फिल्टर लगा रहता है तो अगर आप ऐसे डंडे से पीट देंगे तो साफ़ हो जाएगा, जिससे कि पानी यहाँ से निकल पाएगा। और ये अब अगर आप इसको पहले नहीं करेंगे
और मल्चिंग चढ़ा देंगे ऊपर में तो नीचे में खोज पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसको आप सबसे पहले इस प्रकार से काम को कर लें।